हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, आर के स्कूल कुशाइल बाजार से, क्लास थर्ड के लिए मैथ पढ़ाऊंगा। जैसा कि कल एक्सरसाइज फर्स्ट का मैंने आपको पहला और दूसरा सवाल बताया था, आज तीसरा हम पढ़ेंगे, नंबर थ्री। और थ्री में लिखा है आपका राइट बेटा, राइट। राइट मीन्स लिखना, और इसमें एक ही है, थ्री का फर्स्ट लिखना क्या है, द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। द स्मॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर फिर इक्वल लगा हुआ है और सामने लिखना है आपको। तो इसका मतलब हुआ बेटा, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी एंड और लार्जेस्ट सबसे बड़ी थ्री डिजिट नंबर, तीन अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तीन अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है। बेटा आप बुक निकाल लीजिए और बुक से ही पढ़िए ध्यान से। स्मॉलेस्ट पहले पूछ रहा है, सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे और थ्री अंक की हो जाएगी आपकी 100। ठीक बेटा, और लार्जेस्ट में आपका हो जाएगा 999। इससे हम ये सीखते हैं कि छोटी संख्या में वन लिखने के बाद जितने अंक पूछता है उसमें आप जीरो बढ़ा देंगे। जैसे वन स्मॉलेस्ट नंबर वन, टू में 10, थ्री में 100, और लार्जेस्ट या बिगेस्ट हो मतलब सबसे बड़ी संख्या में अगर एक अंक भी पूछता है तो 9, टू नंबर पूछता है तो 99, थ्री पूछता है तो 999। मतलब तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए, अगर आप बुक लिए हैं तो पेंसिल से आप बुक में भी भर सकते हैं। ठीक बेटा, अब आप फोर्थ चौथे सवाल में आ जाइए। चौथे में है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स बेटा खाली जगह भरो, खाली जगह आपको करनी है। जैसे यहां लिखा है जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, फिर आगे लिखा है नंबर, फिर बेटा जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। नंबर में आपका लिखा है 499, 550, 76। जस्ट बिफोर का मतलब बेटा तुरंत पहले, और जस्ट आफ्टर मीन्स तुरंत बाद में, जो नंबर लिखा हुआ है उसके तुरंत पहले की संख्या और जो नंबर लिखा हुआ है उसके तुरंत बाद की संख्या। बिफोर मीन्स आप बताएंगे पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। जो नंबर है बिफोर में आप एक सबट्रैक्ट कर देंगे वन, और आफ्टर वाले में जो नंबर दिया गया है उसमें वन ऐड कर देंगे। जैसे आपका है 499, यहाँ ऐसे देखो डैश हुआ है, यहाँ भी है, फिर इन दबा भरना है आपको। 499 में से वन कम हो जाएगा, आप वन सबट्रैक्ट कर देंगे तो 498 बचेगा, इसमें आप वन ऐड कर देंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक बेटा, 498, 499, उसके बाद 500, क्रम से आप पढ़ भी लीजिए।
इसके बाद 550 है, अब 50 में से बिफोर में पहले वन आपको सबट्रैक्ट करना है, तो 50 में से वन कम हो जाएगा तो 549 आपका हो गया, और 50 में वन जुड़ जाएगा तो 551 हो गया। इसके बाद बेटा 76 में आप वन सबट्रैक्ट करके बिफोर के नीचे लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 75, और 76 में वन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 77। ठीक बेटा, इस तरह आपको करना है। अब बेटा इसे हम रेज करते हैं, बेटा आप अपने होमवर्क की कॉपी निकालेंगे और जो होमवर्क हम लिखते हैं आप उसे नोट कीजिए। डेट डालिए आप, ए जरूर डालिए और नोट करिए। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट सवाल, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट एंड, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। सेकेंड इसमें का, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर थर्ड आपका है, जो अभी आपने पढ़ा था सेम वही होमवर्क हमने आपको दिया है, फिर पिछले में आप लिखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर नंबर एंड आफ्टर। जैसा मैंने बताया आपको, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, नंबर में संख्या या गिनती, जो भी नंबर हम लिखेंगे उसके पहले का और उसके बाद का नंबर आपको लिखना है। जैसे मैंने दिया 59, 238, 199, 537 और 23। ठीक है बेटा, ये आपका इतना होमवर्क है, आपसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिए और ध्यान रहे होमवर्क आप बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। और जो भी कंप्लेन हो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, बॉक्स में डालिए, आपकी शिकायत को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।